नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। कोरोना को लेकर देश भर में दहशत का माहौल है, लॉकडाउन है पूरा भारत। बिहार में सबसे ज्यादा हालत उन लोगों की खराब है जो लोग बाहर रहते थे वो बिहार लौट रहे हैं, ऐसे में उनके स्वास्थ्य को लेकर भी काफी चिंता जाहिर की जा रही है। सरकार की तरफ से तमाम दावे भी किए जा रहे हैं, विपक्ष हमला भी बोल रहा है। इसी बीच जीतनराम मांझी ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जीतनराम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो क्या कुछ कहते हैं पहले आप सुनिए। दूसरा पक्ष जो ये है कि मेडिकल सेवाएं के नाम पर बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन हम इमांगन में, बांके बाजार में, गया में या और जगहों से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक तरह से फ्लॉप है। कोई काम नहीं वहाँ हो रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं और वे सीधे गांव में चले जाते हैं। ये इत्तफाक है कि गांव में इस प्रकार की महामारी नहीं फैली है, इसलिए हम कहना चाहेंगे बिहार सरकार से कि स्वास्थ्य सेवाओं को और इनलार्ज करे और जो भी बाहर से आया है बिना उसके परीक्षण किए हुए घर न जाने दे। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा में थोड़ी कमजोरी है, इसको मुख्यमंत्री जी सुधार करें। और वैसे जो काम हो रहा है वो सराहनीय है, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और तो आपने सुना, जीतनराम मांझी हैं जो कि बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नीतीश सरकार जो काम कर रही है वो फिलहाल सही कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। स्वास्थ्य जो प्राथमिक जो स्वास्थ्य सेवा है उसमें काफी कमी है, तो ऐसे में सरकार से वो अपील भी कर रहे हैं कि इसको सुधार किया जाए और खासकर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन पर विशेष ध्यान दी जाए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है कि गांव में, हालांकि इसको लेकर अभी जो है वह एक अच्छी बात यह है कि गांव में भी इसको लेकर ज़्यादा पॉजिटिव केस नहीं आ रही है, मतलब वो ज़्यादा सुरक्षित अभी दिख रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की वजह से यह कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है। ऐसे में जीतनराम मांझी ने एक तरफ जहां उनके नीतीश कुमार के कार्यों की सराहना की है, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल भी खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना को लेकर अभी तक कई खबरें आ चुकी हैं, करीब पंद्रह लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, 2 लोग की मौत भी हो गई है, जबकि 3 लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं, मतलब यूं कहें कि रिकवर पूरी तरीके से हो चुके हैं। ऐसे में दहशत का माहौल तो बना हुआ है ही, लोग काफी चिंतित हैं। ऐसे में लॉकडाउन के नियमों का आप भी पालन करें, घर से बाहर न निकले। और तमाम जो नेता है वो क्या कुछ कहते हैं ये खबर तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचा ही रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।